शाहरुख खान पूरे 4 साल बाद बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी करने के लिए तैयार है। किंग खान की फिल्म पठान 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म के टीजर ने लोगों की एक्साइटमेंट काफी हद तक बढ़ा दी थी, लेकिन फिल्म के गाने बेशर्म रंग के हाल ही में रिलीज होने के बाद ये फिल्म लगातार विवादों के घेरे में घिरती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच अब किंग खान का बयान भी सामने आ गया है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर पठान के बेशर्म रंग गाने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस गाने में शाहरुख खान और दीपिका ने बेहद हॉट और बोल्ड सीन दिए हैं। साथ ही दीपिका ने जो भगवा रंग की बोल्ड ड्रेस पहनी थी उसे लेकर अब फिल्म का विरोध और तेज हो गया है। और इस गाने में दीपिका के कपड़ों से लेकर कई और बदलाव करने की मांग की गई है। फिल्म को लेकर हो रहे विवाद पर अब तक किसी का भी बयान सामने नहीं आया था, लेकिन अब शाहरुख खान ने खुद इस मामले पर चुप्पी तोड़ दी है। दरअसल हाल ही में शाहरुख खान कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे थे, जहां उन्होंने फिल्म पठान को लेकर बढ़ती कंट्रोवर्सी पर कहा, दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, मैं और आप जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब जिंदा हैं। शाहरुख खान ने ये बात अपनी फिल्म को लेकर बढ़ती निगेटिविटी को देखते हुए कही है। फिल्म पर विवाद के बीच पहली बार सार्वजनिक तौर पर शाहरुख खान ने ये बयान दिया है। इसके साथ ही शाहरुख खान ने ये भी कहा है, आज के वक्त में सोशल मीडिया द्वारा कलेक्टिव नैरेटिव दिया जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था निगेटिविटी सोशल मीडिया के यूज को बढ़ाती है, इसके अलावा इसकी कॉमर्शियल वैल्यू भी बढ़ती है। इस तरह की कहानियां हमें भटकाने और बांटने का काम करती हैं। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म पठान 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन रिलीज के पहले ही जिस तरह से फिल्म को लेकर विवाद हो रहा है उसे देखकर तो लगता है कि इस फिल्म पर भी बॉयकॉट की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए SMG बॉलीवुड को सब्सक्राइब कीजिए।